हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का इस ब्रांड न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम इंटेल जो हमने कमाई है उससे शॉपिंग करने वाले हैं। देखते हैं क्या क्या यहाँ पे ख़रीदना चाहिए। तो अगर देखें तो निक फ्यूरी के जो रिकॉन इनिशिएटिव थे, जितने भी थे, बिगनर, नॉर्मल, हीरोइक, मास्टर, एपिक, मैंने सारे के सारे 100% एक्सप्लोर कर लिए हैं। तो इन्वेंट्री में चल के एक बार देखते हैं कि टोटल हमें कितनी इंटेल मिली है। आइटम्स में चलते हैं यहाँ पर। तो हमें मिली है टोटल 5,620 जो है, ये टोटल हमारे पास इंटेल है। अब चलते हैं स्टोर में, स्टोर में देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या ख़रीदा है। अब तक ख़रीदा नहीं है तो ख़रीद लीजिए, क्योंकि अब 2-3 दिन ही बचे हैं। देखिए, 3 दिन और 1 घंटा कुछ टाइम बचा है, यानी 3 दिन ही बचे हैं इंटेल के। क्वेस्ट के तो और भी कम टाइम में, क्वेस्ट तो कल ही ख़त्म हो जाएगी ये। और अपडेट मैंने नहीं किया है गेम अब तक, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ। जब तक मेरी सारी क्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती पुरानी, तब तक मैं गेम अपडेट नहीं करता हूँ। जिन लोगों ने किया है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है गेम। तो उसके बारे में कब हम ज़रूर कुछ करेगा, जहाँ तक है कुछ फिक्स वगैरह आएगी छोटे, कुछ कम MB की। तो चलिए देखिए क्या ख़रीदे। अगर पहली रो में हम बात करें तो 3-स्टार हीरो क्रिस्टल की मुझे ज़रूरत नहीं है, 4-स्टार अवेकनिंग जेम की ज़रूरत नहीं है, 4-स्टार हीरो क्रिस्टल की ज़रूरत नहीं है, 4-स्टार के हीरो क्रिस्टल शार्ट्स ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो पहली रो में तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेकेंड रो में चलते हैं, 4-स्टार सिग्नेचर स्टोन क्रिस्टल नहीं चाहिए, 5-स्टार अवेकनिंग जेम सही ही है, 5-स्टार के हीरो शार्ट्स भी खरीद सकते हैं। चलिए, दो चीज़ इंटरेस्टिंग है, 5-स्टार के सिग्नेचर स्टोन नहीं चाहिए, और यहाँ पे 6-स्टार के शार्ड्स हैं। अगर हम ख़रीदें तो 1,000 शार्ड्स हम ख़रीद सकते हैं 4,000 इंटेल दे के। 1,000 शार्ड यानी 10% मिलेगा एक 6-स्टार क्रिस्टल का। टायर वन अल्फ़ा नहीं चाहिए, टायर वन का कुछ नहीं चाहिए, टायर टू अल्फ़ा फ्रेगमेंट्स भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे पास 11 के करीब हैं, 11 ऑलमोस्ट होने वाले हैं T2 अल्फ़ा, तो इसकी मुझे भी ज़रूरत नहीं है। नीचे देखें तो और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। टायर 5 के बेसिक कैटलिस्ट अगर हम देखें तो ये हमें पड़ेंगे 3,960, 4,000 ही मान लेते हैं, ये मिलेंगे हमें 4,500, यानी कि 45,000 पर पूरा एक क्रिस्टल बनता है। यानी कि ये भी एक पूरे टायर 5 के बेसिक कैटलिस्ट का 10% यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो 10% काफ़ी कम है यार, 10% तो मेरे पास कितने हैं फिलहाल, मेरे पास 12,000 के करीब है। अगर ये 4,500, 13,000 मान लेते हैं, अगर ये 4,500 भी मिल जाए तो 17,500 के करीब होंगे, तो इतने ज़्यादा नहीं है 17,500। और ये जो T5 के फ्रेगमेंट्स हैं, ये ग्लोरी से भी मिल जाते हैं, 900 मिल जाते हैं कम से कम, जो है मिनिमम लिमिट जो है 900 की। तो यहाँ पे मैं ख़रीद रहा हूँ 5-स्टार का अवेकनिंग जैम। 5-स्टार का अवेकनिंग जैम ख़रीदते हैं चलिए, क्योंकि काम आ जाएगा यार अवेकनिंग जैम। और कहीं से आप नहीं खरीद सकते, या तो कोई ऑफ़र वगैरह आए पैसे दे के उसमें ख़रीद सकते हैं, बाकी सब चीज़ें हम कहीं ना कहीं से कलेक्ट कर सकते हैं। यही एक चीज़ है जो हमें कलेक्ट नहीं कर पाएंगे हम इधर उधर से कहीं से भी। तो चलिए, एक तो 5-स्टार का अवेकनिंग जेम हमने ख़रीद लिया। अब हमारे पास कितनी बच गई है, यहाँ पे शो भी नहीं करता यार ये। तो एक बार फिर हम चलते हैं जल्दी जल्दी इन्वेंट्री में, चलते हैं आइटम्स में, देखते हैं कितनी बच गई है हमारे पास। अब हमारे पास है 620 इंटेल हमारे पास बची है। 620 में हम 575 के ख़रीद सकते हैं 1,000 5-स्टार शार्ज, और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो यही ख़रीद लेते हैं। बाकी तो सब महंगा है जो हैं, ये टायर 2 वाले हैं, टायर 3 वाले ये सस्ते हैं कुछ, लेकिन इनकी कहीं पे ज़रूरत फ़िलहाल पड़ती नहीं है गेम में। 1,145, तो चलिए 1,000 5-स्टार के शार्ज ख़रीद लेते हैं गाइस। बाकी अब हमारे पास कितने बचे, अब हमारे पास कितने बचे, मैथ मेरा कमज़ोर है थोड़ा, देखते हैं एक बार चल के यार। तो कितने बचे हैं, 45 बचे हैं। 45 में तो मेरे ख्याल से कुछ आएगा नहीं यार, 45 में देख लेते हैं, फिर भी बेकार ही जाएंगे, नहीं तो ये इंटेल कुछ काम तो आएंगे नहीं। 45 45 45, 80 में मिल रहा है नहीं। टायर वन की क्लास कैटलिस्ट, टायर वन का तो कुछ काम ही नहीं है। 45 तो यहाँ पे एक कुछ खास नहीं है 45 में। चलिए 45 को छोड़ते हैं, हम चलते हैं क्रिस्टल्स में, ओपनिंग करते हैं जो हमने ख़रीदा है उसकी, देखते हैं क्या मिलेगा उसमें। सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारा 5-स्टार का क्रिस्टल खुलता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है 9,000 शार्ट्स थे मेरे पास ऑलरेडी। जी हाँ, चलिए एक 5-स्टार क्रिस्टल ओपन होता है, सबसे पहले 5-स्टार क्रिस्टल ही ओपन करते हैं, उसके बाद चलेंगे अवेकनिंग जैम पे, देखते हैं कौन सी क्लास का मिलेगा। इसको थोड़ा ज़्यादा देर तक घूमने देते हैं, क्योंकि पिछली बार जब हमने ज़्यादा टाइम तक घूमने दिया था तो अच्छा चैंपियन मिला था, इस बार भी यही उम्मीद कर रहे हैं हम। आपने क्या ख़रीदा है इंटेल से यार, ये ज़रूर बताइएगा, बताना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। कितना आपने कंप्लीट किया, कितने पास आपका आपके पास कितना इंटेल था, आपने क्या क्या उससे ख़रीदा, किस चीज़ की आपको ज़रूरत थी। अगर अब तक आपने कुछ नहीं ख़रीदा है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा
जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगे वही चीज़ आप ख़रीदें। चलिए इसको टैप कर देते हैं, वरना फ़ोन की स्क्रीन जो है वो डिम हो गई थी, तो इसको हमने टैप कर दिया यहाँ पे और मिला है एक, मिल जा मिल जा मिल जा। ओहो क्या बात है यार, सेम रिज़ल्ट यहाँ पे हो गया है। सब बोल रहे थे भाई अवेकन हो के बहुत अच्छा है, अवेकन हो के बहुत अच्छा, अभी अवेकन हो गया है। अब मैं इसको करूँगा अच्छे से अपडेट, इसकी बनाएंगे फिर वीडियो। चलिए मैं तो यही सोच रहा था सच बताऊँ तो मन मन की यार म्यूटेंट का मिल जाए तो ओमेगा रेड को अवेकन करेंगे, क्योंकि सब बोल रहे हैं बहुत अच्छा है अवेकन होके, बहुत अच्छा है अवेकन होके। ये तो चलो अच्छी ओपनिंग होगी, आज खुशी की बात होगी थोड़ी। चलिए अब चलते हैं अवेकनिंग जैम पे, अब देखते हैं किस क्लास का मिलेगा। चलिए चलिए कहाँ गया, ढूंढना पड़ेगा, क्रिस्टल्स बहुत सारे हो रखे हैं मेरे पास। चलते रहो चलते रहो, बहुत ज़्यादा क्रिस्टल सेव करता हूँ मैं। चलिए रहा 5 स्टार का अवेकनिंग जैम, 4 स्टार के भी मेरे पास 2 अवेकनिंग जैम है, मैंने खोली नहीं क्योंकि 4 स्टार को अब रैंक अप ही नहीं करते यार, अब क्या फ़ायदा। चलिए 5 स्टार का अवेकनिंग जैम, इसको भी देर तक घूमने देंगे हम। हाँ तो मैं एडवाइस की बात कर रहा था, अगर आपने अब तक इंटेल से कुछ नहीं खरीदा है तो जो चीज़ आपको लगे सबसे ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रो करने में आपके काम आएगी, वो चीज़ आप खरीदेगा। इधर उधर मत देखिएगा कि उसने क्या खरीदा है उसने क्या खरीदा है, जो आपको मदद करे ग्रो करने में गेम में वो चीज़ आपको ख़रीदनी है इंटेल से, इंटेल बहुत ज़रूरी है। चलिए फ़ोन की स्क्रीन होने लगी है डिम, ये हमने किया टैप, और किसी क्लास का मिस्टिक 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 मिस्टिक, यार क्या बात है यार, इसको कहते हैं मिस्टिक ही है ना, हाँ मिस्टिक ही है भाई, इसको कहते हैं ओपनिंग। अब मैं ये अवेकनिंग जैम यूज़ कर सकता हूँ मैजिक पे, मैजिक वैसे बिना वेकन के भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन यार क्या बात है ये ओपनिंग तो कमाल की रही है, आज बहुत दिनों बाद एक अच्छी ओपनिंग हुई है, डबल अच्छी ओपनिंग हुई है, काफ़ी खुशी हो रही है। चले गाइज उम्मीद करता हूँ आप जो भी खरीदे आपको भी उनमें से काफ़ी अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिले, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जय हिंद।